मैं लामा सिरिस हूँ, हम लोग का बालकपुंग सीबीओस कॉन्फेडरेशन का चेयरमैन। हमारे जो वुमेन्स ग्रुप है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के आ रहा है, जितना भी हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनके लिए वो डेली यहाँ खाना भोजन बनाता है, तरह तरह के व्यंजन बना के उनको परोसा जा रहा है, खिलाया जा रहा है। और हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए जगह जगह में हमारे जो बालकपुंग सब डिवीज़न के युवा है वॉलेंटियर्स के रूप में, करीबन हमारा 60 जैसा वॉलेंटियर्स है बालकपुंग और टीपी के बीच में, सब बढ़ चढ़ के आ रहा है। बाजार कमेटी से भी काफ़ी मदद मिल रहा है दोनों साइड से। और हमारा हाल ही में हमारा एमएलए साहब भी हमें फर्स्ट जो रिलीफ पैकेज उनका मदद से हमें मिला था, और आज का जो पैकेज है इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ में हमारा तमोरीबा साहब जी है उनकी मदद भी हमें मिला है। और हमारा जो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं सीबीओस है सब बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है। और हमारा कोशिश है कि ये लॉकडाउन जब तक नहीं उठता है हम उन्हें तरह जितना भी हो सके हमारा कैपेसिटी में जो है जो मदद हमें मिल रहा है उनसे हम उन तक पहुँचाया जाए और ये हमारा कोशिश बरकरार रहेगा। अभी तक फ़िलहाल बालकपुंग सब डिवीज़न में हम लोग ने 350 फैमिलीज़ को आज मिला के चार बार हम लोग ने जो एसेंशियल पैकेजेस है रिलीफ पैकेज दे चुका है। और इसमें हमारे जितने भी सीबीओस हैं आदि गालो निशी मिजी आका आसामीज आदिवासी गोरखा बुद्धिस, तो जितने भी यहाँ पे यहाँ जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बालकपुंग के वुमेंस ग्रुप बालकपुंग के सेल्फ हेल्प ग्रुप, और हाल ही में कल के अंदर हमें पूर्वांचल प्रगति समाज के तरफ से भी जो कि कैथलिक स्कूल की तरफ से मदद भी मिला है, तो काफ़ी जो हेल्प है हर कॉर्नर से हमें मिल रहा है। और हमारा कोशिश है कि जितना भी कोविड 19 से पीड़ित परिवार है जो अनऑर्गेनाइज डेली वेजर्स है या जो स्टैंडर्ड है उनको हम मैक्सिमम वे में हम हेल्प करें। उनको चावल पहुंचाया जा रहा है 10 किलो करके, दाल 1 केजी और आटा 2 किलो, दाल और तेल और साबुन, खाने के साथ साथ भी स्वस्थ रहना है। तो इस तरह से अभी तक हमने करीब 3 बार हमने बांटा है, उसमें अभी एनालिसिस के हम 12,000 किलो चावल हम बांट चुके हैं, और ये सिर्फ जितने हमारा सीबीओस है उनके मदद से। और अभी तक फ़िलहाल तो हमारे एरिया में टोटल स्टैंडर्ड भी काफ़ी मिला है, लेकिन हमें जहाँ पर हमने यहाँ पर एकोमोडेट किया है एक नेपाल से है एक दाजू, उसको यहाँ पर गोरखा समाज संभाल दे रहा है। और आज के डिस्ट्रीब्यूशन से पता चला कि 20 जैसा लोग है जो कि कोई इस कमिंग से है, कोई हमारा वेस्ट कमिंग से ही है जो कि यहाँ फंस के बैठ गया, तो उन्हें भी चावल का रिलीफ पैकेज दिया गया है। और हाल ही में तवांग का भी कुछ यूथ्स है जो कि यहाँ पर काम करने आया था फंस के, उन्हें भी रिलीफ पैकेज दिया और आज भी देंगे। और इस तरह से हम जो भी अपना बस में है अपना कैपेसिटी में हम करते जा रहा है और आगे भी हम इसे करते रहेंगे।